नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील कुमावत। और अभी आप ये देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है पीजीटी इकोनॉमिक्स का, 2013 में ये पेपर हुआ था। और अभी हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं है? देखिए, पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपांसन ऑफ एयरपोर्ट ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर नहीं है। अब यदि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो इट मीन्स वो सेक्टर जो निर्माण से जुड़ी हुई चीजें हो, राइट। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, गिनी कोफिशियंट मेजर। गिनी कोफिशियंट से हम क्या चीज पता लगा सकते हैं? गिनी कोफिशियंट से हम ना तो अनएम्प्लॉयमेंट, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ही इकोनॉमिक इनकम इनक्वालिटीज, ये तीनों हम पता नहीं लगा सकते। इट मीन्स हम क्या पता लगा सकते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक, महंगाई दर को पता करने के लिए, महंगाई को पता करने के लिए गिनी कोफिशियंट को यूज किया जाता है। ठीक, तो महंगाई इससे हम पता कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। यदि आप देखें, अमृत सेन वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मॉनेटरी इकोनॉमी, इकोनोमेट्रिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो इनमें से किसके लिए इनको जो है नोबल प्राइज मिला है? तो इनको नोबल प्राइज मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। एक और बात आपको मैं बता दूं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की यदि आप बात करते हैं, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक, और अमृत सेन को भी इसी फील्ड में ही जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, विच शेड्यूल बैंक हैव टू बी रजिस्टर्ड विद। देखिए, जितनी भी बैंकें हैं उन सभी को रजिस्टर होना पड़ता है आरबीआई के पास, आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि सेबी की, यदि हम बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज वाली जो चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटीज वाली चीज़ें हैं, उनको रजिस्टर होना पड़ता है, या वो जो इनको रेगुलेशन करने वाला जो बोर्ड है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एसबीआई तो हम जानते ही, एक कॉमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर की कॉमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ओबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यदि हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। लेबर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देखिए, यदि आप चारों ऑप्शन देखें तो आपको समझ में आएगा, लेबर इज पेरिसेबल, क्या ये हो सकता है आंसर? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, पेरिसेबल की यदि आप बात करें, तो पेरिसेबल यानी जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो लेबर खराब थोड़ी होती है। ऑप्शन बी की यदि हम बात करें, तो देखिए आप, लेबर हैज लेस मोबिलिटी होती है, लेबर ज़्यादा मोबाइल नहीं होती, नहीं घूम नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, ये गलत जवाब है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर। लेबर के पास जो है भावताव करने का ज़्यादा पावर होती है, ये बात जो थोड़ी मुझे नागवार लग रही है। खैर, इसका फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात। इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर, इन इलास्टिक मतलब पैसे बढ़ाओ लेबर नहीं बढ़ेगी, या पैसे कम करो तो भी लेबर कम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कम करोगे तो कम रहेगी, ज्यादा करो तो ज्यादा रहेगी। इट मीन इसका सही आंसर हुआ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, ये लेबर के पास नहीं होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस बारे में ही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो लेबर का कैरेक्टर ये नहीं है कि वो जो है स्ट्रॉन्ग पावर है। तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फूड इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसमें से किसने कहा था? भाई ये तो चीज हमें याद रखने की बातें हैं, माल्थस, ग्रेसन, एंग और कैंसी, इनमें से किसने कहा है? इसका सही आंसर है इसका माल्थस। वैसे यदि मैं बात करूँ कैंसी के बारे में, तो कैंसी एक बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स फील्ड में। जैसे आप बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाली जो अप्रोच है, जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वगैरह फाइंड आउट करते हैं,
या क्लोज इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो वो क्लोज इकोनॉमी या प्लांड इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो वो केंसी ने इसकी विचारधारा दी है, केंसी ने ये सारे कॉन्सेप्ट वगैरह दिए हैं, तो केंसी एक बड़ा नाम है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, सॉरी विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा कलेक्ट करता है। तो आप देखें इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, आरबीआई तो बैंकों के लिए तो ये नहीं हो सकता आंसर, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो वो इसका सही जवाब है एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाए तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का फुल फॉर्म है। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट यदि आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज नेशनल डेब्ट, इनमें से किसको नेशनल डेब नहीं माना जाएगा, मतलब देश के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा। तो पहला है ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने यदि पैसा लिया है पब्लिक से तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वापस उनको पे करे या उनके क्लेम को फुलफिल करे, तो ये तो लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेब्ट, गवर्नमेंट ने यदि कोई डेब्ट लिया है, कोई बॉन्ड लिया है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड डेब्ट एक ही बात है, तो आप यदि बात करें कि गवर्नमेंट ने लोन लिया तो वो भी एक लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड भी गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी है, सिर्फ इसमें एक ही चीज थोड़ा डिफरेंट लग रही है, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये किसी टाइप की लाइबिलिटी नहीं, इवन एक टाइप से एसेट्स के तरह कंसिडर किया जाएगा इसको। ठीक, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट, इनमें से कौन सी जो है इंस्टीट्यूशन वो पब्लिक सेक्टर है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक, ICICI बैंक का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, तो वैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। टेस्को की यदि हम बात करें तो टेस्को दरअसल जो टेस्को का नाम है ये उसको फाउंडर है उस पर दे दिया गया है और ये एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हुआ। फिर भेल की यदि बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल गेल सेल ये सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा आंसर भेल है। ठीक, तो ये इसका आंसर रहा भेल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। तो देखिए शुरुआत की मैक्सिमम जो चीजें हैं वो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वैसे प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 क्वेश्चंस की, हु अमंग द फॉलोइंग है वॉन द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2011 में किसको नोबल प्राइज मिला था। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, हर ऑप्शन में आप देख रहे हैं दो या तीन लोग बता रहे हैं, तो इसमें क्रिस्टोफर सिम्स को मिला था और उसके अलावा थॉमस सार्गन को मिला था, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भाई ये तो कहें कि हम जनरल अवेयरनेस की चीज़ें तो ये तो पढ़ना पड़ेगी। ठीक, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यदि हम बात करें द एक्रोनाइम SRO बींग यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट फॉर वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट स्टैंड फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल रेवेन्यू ऑपरेटर, सिक्योरिटी रोल ऑपरेशन या सिक्योरिटी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इनमें से कौन सी नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तो सभी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, लेकिन व्हेन टू प्रोड्यूस जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है, व्हेन टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉज द डिमांड फॉर अनदर गुड टू डिक्रीज,
यदि एक चीज की प्राइस जो है वो यदि कम होती है तो दूसरे की डिमांड को कम कर रही है। इट मीन्स ये कि ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, और जब भी कोई दो चीज अपोजिट में चलने की बात आ रही हो तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। तो इसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, इनमें से कौन सा वो रीजन नहीं है डिमांड का डिक्रीज होने का। तो पहला ऑप्शन देखें, फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम कम होगी लोगों की तो चीजें कम खरीदेंगे, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखें, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की यदि प्राइस कम हो जाएगी तो इधर हमारी जो डिमांड है वो जो है बढ़ जाएगी, तो ये भी सॉरी कम हो जाएगी, तो ये भी इसका रीजन है, यानी कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं, जैसे कि हम बात करें मिल्क का सपोर्टर जो गुड्स हुआ वो शुगर हो सकता है, शक्कर हो सकता है ना, या हम बात करें कि व्हीकल है तो व्हीकल का सपोर्ट सपोर्ट करने वाला जो गुड्स हो सकता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो हम बात करें फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यदि सस्ता हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो चीज वो ज़्यादा बिकेगा। से फॉर एग्जाम्पल शक्कर ज़्यादा बिकेगी तो दूध भी ज़्यादा बिकेगा, तो इससे तो डिमांड जो है बढ़ रही है, यानी कि ये नॉट ए कॉज ऑफ डिक्रीज, ये डिक्रीज का कॉज नहीं है क्योंकि ये तो इंक्रीज का कॉज है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, विथ 10% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स इट डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 120 यूनिट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए आप 100 से 120 हो गई, यानी कि 20% का इजाफा हुआ, 20% बढ़ी है डिमांड और 10% फॉल हुआ था प्राइस में, तो 20% को 10% से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो इसका आंसर 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी आप समझते होंगे कि एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस का असर दूसरे के गुड्स पर पड़ रहा हो तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, पहला ऑप्शन देखें, नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव होगा। हाँ सही बात है, एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, या एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड जो है घट घट जाएगी, तो इस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, गिफिन गुड्स आर काइंड ऑफ गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, नहीं है इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी देखें, प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर पॉजिटिव, ये इसका सही आंसर है। प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं गिफिन गुड्स में। वैसे गिफिन गुड्स हम लोग समझते हैं गिफिन गुड्स क्या होता है, गिफिन गुड्स इट मीन जो लोअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को गिफिन गुड बोला जाएगा, इन्फीरियर क्वालिटी का गुड बोला जाए, तो इन्फीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं वो गिफिन गुड्स कहलाते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द शेप ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नहीं, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है पैराबोला, नहीं, इसका सही आंसर है कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए कहीं बार इसका आंसर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि जब जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो कॉन्केव होता है, और यदि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो कॉन्वेक्स होता है। फिलहाल वैसे यहाँ कुछ दिया नहीं तो मैं मान रहा हूँ कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है, तो कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये इसका सही आंसर है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 ए, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल, हमें पता है कि पीपीसी किस टाइप से बनता है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ कि पीपीसी कुछ इस टाइप का कर्व होता है, जो कि यदि आप रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए द शिफ्ट टू द शिफ्ट टूवर्ड द राइट, ठीक, ये इसका आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अ कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, और प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स हो है,
एम यू एक्स और एम यू वाई आपको दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? हमको पता है इसका तो सीधा जो जवाब है वो रहा, ये रहा पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। ये इसका फॉर्मूला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा होगा, जहाँ कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द, अब इंडिफरेंस कर्व किस टाइप का होता है हमको पता है, ये कुछ इस टाइप से इंडिफरेंस कर्व बनता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बिटवीन टू गुड्स। तो बिल्कुल यही इसका सही जवाब है कि दरअसल ये जो कर्व है, इस टाइप का जो कर्व बना रहता है, सॉरी वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ, इस टाइप का जो ये कर्व होता है जिसको हम इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम एक चीज़ को पाने के लिए हमें दूसरी चीज़ कितनी खोना पड़ेगी, तो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर यही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, एमआरटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका आंसर जो है बी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को हम पढ़ें। एट द पॉइंट ऑफ ये क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन शुड बी, बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यही इसका आंसर है। अब हमें पता है कि कुछ इस टाइप का बनता है इंडिफरेंस कर्व और कुछ इस तरीके से बनती है बजट लाइन। तो जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टच होते हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को ही इंडिफरेंस कर्व और जो बजट लाइन मिलती है, इसको ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को जहाँ मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए रीजन फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? तो हम पहले देखें, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग गुड्स, कॉम्पिटिंग गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो वो उसका यहाँ पर नहीं रोल है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, मार्केट में जो फर्म है वो कम हो गई है, तो क्या इससे सप्लाई जो है कम होगी या नहीं होगी? होगी, ऑब्वियसली होगी, लेकिन ये हमें देखना है कि नॉट अ रीजन, कौन सा रीजन नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होने से तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी होगा, डिक्रीज होने का तो ये कोई कारण नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर यही है। ठीक, ये है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इधर मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिमांड फॉर सॉरी डिमांड फॉर कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड है वो किस तरीके की रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो जो डिमांड है वो आप प्राइस जैसे ही कम या ज़्यादा करेंगे, इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे कि आपकी चीज़ें, आप जैसे ही प्राइस ज़्यादा करेंगे और चीज़ें नहीं बिकेंगी। हमें पता है जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के लिए हम बात करते हैं और जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इस साइड ये क्वांटिटी होती है, इस साइड प्राइस होती है, तो जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे यहाँ क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा वरी करने लग जाएगी। ठीक, तो इसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। खैर, ये अभी तक हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे बाकी 25 क्वेश्चन के बारे में, फिर 25 फिर 25। ये दरअसल जो ये पेपर था इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें मैं चार वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ठीक, तो बाकी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील कुमावत है और मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स विद एसके। आप किसी भी टाइप के इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी चीज़, किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।